हरे कृष्ण राधे राधे भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। भक्तों, आज की इस वीडियो में बताऊंगी अक्षय नवमी की जो पूजन सामग्री होती है वो वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। भक्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में नवमी तिथि को अक्षय नवमी मनाई जाती है, जिसे अक्षय नवमी को आंवला नवमी भी कहा जाता है। इस दिन आंवले वृक्ष की पूजा विशेष रूप से की जाती है। आंवले वृक्ष के नीचे बैठ करके भगवान विष्णु और भगवान शिव का पूजन किया जाता है और माता लक्ष्मी जी का भी पूजन साथ में किया जाता है। तो इस दिन माता लक्ष्मी जी ने श्री हरि विष्णु जी को और भोलेनाथ जी को भोजन कराया था इसी पेड़ के नीचे। तो मैं इसकी सामग्री दिखा रही हूँ, आप एक दिन पहले ही नोट करके सामग्री ले आए। तो देखिए, मैं घर पर पूजन करूंगी तो मैंने यहाँ गमला तैयार कर लिया है, अच्छी प्रकार से सजा लिया है, चौक पूर लिया है और आंवला वृक्ष का पौधा चाहिए होता है। यदि नहीं है तो आप ला सकते हैं नर्सरी से। और अभिषेक करने के लिए जल का लोटा लिया है, भोग लगाने के लिए जल का लोटा लिया, अभिषेक के लिए दूध लिया है, गंगा जल लिया है, हल्दी ली है भगवान विष्णु जी को अर्पित करने के लिए, और यहाँ पर कपूर ली है आरती करने के लिए, इत्र लिया है लगाने के लिए, और अबीर गुलाल आप रख लें, और यहाँ पर वस्त्र रूपी मैंने यहाँ कलावा लिया है। उसके बाद हमें यहाँ पर स्थापना करनी है भगवान विष्णु जी की और भगवान भोलेनाथ की। तो मैंने यहाँ पर दोनों की मूर्ति स्थापित करने के लिए ले ली है। यदि आप स्थापना नहीं करना चाहते इन दोनों की तो आप स्किप भी कर सकते हैं। चंदन ले लिया है, माचिस धूप बत्ती और दीपक तैयार कर लिया तिली के तेल का। उसके बाद भोग में मैंने यहाँ बताशा लिया है, केल यहाँ पर मैंने सेब लिया है भोग के लिए, और सफेद तिली ली है क्योंकि अक्षय नवमी है और यहाँ पर मैंने तिली का ही प्रयोग करना है। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पर कच्चा सूत लिया है, आप जनेऊ भी ले सकते हैं। यदि जनेऊ नहीं है तो आप कच्चे सूत को 7 बार लपेट करके जनेऊ का भाव भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आंवला लेना है, आंवला भोग कर प्रसाद चढ़ाना है और आंवला दान भी किया जाता है। कुछ दक्षिणा रख लें आप इस प्रकार से। तो ये सामग्री नोट कर लें। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर।